हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सोल की तरफ से फोर्थ सेमेस्टर के जो मई जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उनमें से सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो उसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं जो बाकी कोर्सेज है, यानी बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स, कि सर हमें ये बताइए हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इस मंथ के एंड तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा या इसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, और मेन बात हमें कैसे पता चलेगा जब हमारा रिजल्ट आएगा, या तो आप हमें बताएंगे या हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा है, ये चीज़ आपको मेन बताई जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर तो जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस ही बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आपको गूगल या क्रोम पे आके टाइप कर देना है DU.exam.ac.in, इतना टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। देख सकते हैं एरर आ रहा है, रुकिए एक सेकेंड, या एरर को हटा देता हूँ। देख सकते हैं आप दोबारा बैक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, या आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस कुछ शो होगा। आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिजल्ट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन रिजल्ट और मार्कशीट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके जो एग्ज़ाम हुए थे 22 नंबर यानी मई जून 2023 में हुए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, अभी आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आपको उसके ऊपर प्रिंट मार्कशीट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। यह आपका लिंक है ऑफिशियल, जिससे आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और यहीं से आपको अपना रिजल्ट का स्कोर कार्ड यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब बात रही चेक कैसे करना है कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए आपको यहाँ आना है लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट पे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जाम सेशन में आपको मई जून 2023 सेलेक्ट करके सर्च डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस होगा। अब इसको कैसे समझना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट और सेम। अब आपको पार्ट समझना है, आप पार्ट यानी ईयर यानी सेकंड ईयर के हो, आपका सेमेस्टर कौन सा है, फोर। तो आपको ऊपर दिख रहे होंगे बीए प्रोग्राम और बी कॉमर्स, इन्हीं दो कोर्सेज का आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो आपको सिर्फ इन दो को कोर्स का देखना है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे अपलोड होगा आपका, जब भी अपलोड होगा वह भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन और बन के आ जाएगा, दो सेक्शन, बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड सेम फोर, यानी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे अगर शो होता है इसका मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आप बैक जाके उस ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बात है रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो रिजल्ट के आने के आसार है वो अगस्त में ही हैं, तो फाइनली फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, पर सभी कोर्सेज का नहीं हुआ था, कई सभी कोर्सेज का लाने में टाइम लगता है। तो अब बात रही कितना टाइम लग सकता है। देखिए, आज 24-25 तारीख हो चुकी है, अब मुश्किल से 5 से 6 दिन बचे हैं, तो आपको ये मान के चलना है अगस्त पे तो भरोसा नहीं रहना है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि अगस्त में बाकी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर होता है तो वेल एंड गुड, वरना आपको टाइम रुकना है अगले वीक तक, मतलब आप ये मान के चलिए सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपका आ जाना चाहिए, वरना सेकेंड वीक तो हाईएस्ट आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आपके फिफ्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब आपको वेट कितना करना है, सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो वेट करना ही है, अगर उससे पहले आता है तो वेल एंड गुड, अगर हमें पता चलेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, उसकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप भी यहाँ के चेक करते रहिएगा, इसको रोज़ स्क्रॉल कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए, ऊपर ही शो हो जाएगा अगर आपका बीए ऑनर्स का होगा या बीए बीकॉम प्रोग्राम का, आपको यहीं दिखा देगा कि आपका सेकंड ईयर है और फोर्थ सेमेस्टर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, मई जून में आपने एग्ज़ाम दिए। यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं जिससे बाकी यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, और यहीं से आपको ऑफिशियल लिंक, देखिए आपको सब कोई लिंक दे देगा, पर आपको पता तो होना चाहिए अंदर कैसे काम करता है सोल और दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहाँ से पता चलता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो ये सबको पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।